ओम गुरुभ्यो नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम हुम हनुमतये नमः, ओम रम रमाय नमः, ओम मातिश्री नमो नमः, ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है वेदांत ज्योतिष वास्तु गुरुकुल, मैं आचार्य संजय आध्यात्मिक गुरुकुल से राउरकेला उड़ीसा से। गुरु का अतिचार अवस्था, पीड़ित अवस्था, इसके ऊपर अनेक सारे वीडियो आपको देखने में मिलते होंगे। मैं भी 3-4 वीडियो दिया हूं और मैं भी देखने नहीं गया कि गुरु बृहस्पति एक्चुअली अतिचार हो रहे हैं नहीं हो रहे। और सभी का मत है, विश्व युद्ध के समय अतिचार थे, महाभारत के समय गुरु पीड़ित अवस्था में थे और उसका परिणाम ऐसा 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 हुआ। और मालिका शास्त्र बोल रहा है कि 2025 से लेके और 2033 और उधर फिर 2 साल छोड़ के और 8 साल, 16 साल का अतिचार अवस्था, बड़े सारे विश्व युद्ध और भयंकर धनहानि, प्राण पीड़ा, मानसिक जनमानस का इत्यादि इत्यादि, मैं उसका डिटेल दिया हूं, रिपीट करना नहीं चाहता। शास्त्रोक्त मत, सबसे पहला पुस्तक ज्योतिषार नव सूत्र क्या कह रहा है। एवं मीनम लंघयित्वा शीघ्रम याति गृहांतरम यदा खेटस्तथा ब्रूया दधीचारो ग्रहस्य तु ये राशि ते यते दीन ग्रहस्तीति प्रमाणम तते दीने यते यते राशि। यानी ये जो बता रहा है कि कौन सा ग्रह अतिचार में कितना दिन होते हैं, ये सबको विदित है। तो कौन कौन ग्रह होते हैं, तो शनि, शुक्र, मंगल, गुरु, बुध आदि, ये 5 ग्रह अतिचार करते हैं, अर्थात इसका प्रमाण बताया गया है। अतिचार का समय क्या बताया गया है, अर्धमासम दशा हानि त्रिपक्षीत दश दश मास षट मंगलादि नामतिचार प्रकृतिता। यानी मंगल अतिचारी 15 दिन, गुरु का 3 पक्ष तक, बुध शुक्र 10 दिन तक, और 6 महाकाल शनि पूर्व राशि को पूर्व से मतलब आगे का और उसका अतिचार अवस्था रहता है। तो यहां बताया गया गुरु का 3 पक्ष तक। और जब अतिचार होते हैं, मतलब ये लंबा समय का तो किसी शास्त्र में मुझे नहीं मिला, मैं कोशिश कर रहा हूं सारे उघाड़ने के लिए और जो सूत्र मिल रहे हैं आपकी सेवा में रख रहा हूं। तो इस अतिचार में जो परिणाम, इसमें ये गुरु का स्पेशली अभी हम बात करते हैं, तो यहां कौन कौन से इंसान के अंग इफेक्ट होने का संभावना यहां पर बताया जा रहा है। तो उष्ट, तो यहां बताते हैं कटी प्रदेशे जघे जघने च जीव कवि सुगुह्यस्तलमुष्ट युग में। यानी इस समय जांग कटिदेश का इफेक्ट कुछ ज्यादा दिखाई दे सकता है, ये ज्योतिषार्णव का। अभी श्री बृहत पाराशर जातक दर्पण है ये, तो इसमें इसका फल बताया गया है। इसका फल अतिचार का और पीड़ितावस्था गुरु का फल। पीड़ितो गत निपीड़ित सदा चिंतया च परया समन्विता व्यग्रितो बहुमतो दतः उमान बुद्धि रोग सहितो विशेषत्व। तो बता रहे हैं जब गुरु बृहस्पति अतिचार होते हैं या मैक्सिमम जितने भी अतिचार प्लैनेट्स हैं उसमें से क्या क्या अतिचार होने से रिजल्ट होता है, शास्त्रोक्त मत क्या कह रहा है। तो इसमें सबसे पहला रोग युक्त चिंता युक्त, तो सबसे पहले रोग बढ़ेगा। दूसरा है चिंता बढ़ेगा, उन्माद रोगाम, उन्माद बढ़ेगा, व्यग्रता, व्यग्र मानसिकता, और शारीरिक पीड़ा ये वृद्धि होंगे, ये शास्त्रोक्त मत है।
कि ये घटेंगे। और मेदिनी ज्योतिष के अंतर्गत वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं उसमें क्या तत्कालिक फल हो सकता है। तो अभी इसमें जो शास्त्रोक्त मतानुसार यहाँ मुक्ति का उपाय, यहाँ पर अगर पीड़ित हो रहा है किसी के कुंडली में भी अतिचार समय में जिनका जन्म हो जाता है, तो उसमें बताया गया है कि पेड़ लगाना, और इसमें गुरु बृहस्पति का नारियल, आम, बट, और जैसे बता रहा था हल्दी, केला, गन्ना, ब्रह्मजष्टि, इन इन सभी का सेवा करना, और एक और बताया गया है गौ का सेवा करना। तो इससे इस प्रकार का पीड़ा व्यक्ति के जीवन में मतलब इस समय ये लोग रक्षा पाते हैं। और इसमें जो और इसमें ये भी बताया गया है कि केवल ये ना सोचें कि अतिचार में केवल बुरा ही बुरा फल मिलेगा, अनेक स्थिति में अच्छे भी फल मिलते हैं। मतलब बहुत सारा कार्य जल्दी जल्दी निपट जाते हैं, रुका हुआ काम बन जाता है, जो प्रोजेक्ट प्लानिंग टारगेट आप लोग या मनुष्य जगत स्लो डाउन करता था वो बगड़ जाते हैं, नया प्लानिंग और नया चीज उद्भावित होते हैं, और पुराने पूरे तबके यहाँ पर ध्वंस होते हैं। और जो शक्ति केंद्रीकरण है वो विकेंद्रीकरण होता है, राजनीतिक और सामाजिक और भौगोलिक, इनका बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, ये शास्त्र का मतानुसार जो मेरे को मिला। तो ये स्वाभाविक आने वाला समय में हम सबको देखने के लिए मिलेगा।